हेलो दोस्तों, पेजैप के 4 ट्रांजैक्शन वाला जो ऑफर है जिनमें आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलता है, पेयू नाउ की तरफ से एक अपडेट आया है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा भाई समझ के थोड़ा सा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो अपने दोस्त भी इस ऑफर को लूट के मजा उठा सकते। तो चलिए पहले पेजैप ऐप को ओपन कर लेते हैं। आपके पास पेजैप ऐप नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और रेफरल कोड बैठाएंगे तो आपको फिर से भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए पेजैप ऐप के सामने ओपन हो जाएगा और चलिए एम पिन बिठा देते और आपको करके दिखाते। आपके उसी के साथ ही आपको बता देंगे जो 2500 रुपए यूपीआई भारत क्यूआर कोड स्कैन करके जो मुझे 250 रुपीज का कैशबैक मिल गया है उसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो पे ही दिखा देंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग नहीं जानते, और आप देख सकते हैं बाएं तरफ आपको एक 3 लाइंस मिल जाते हैं, इसके अंदर जाके आपको सब कुछ करना पड़ता है। आपको जाके इधर केवाईसी कंप्लीट कर लेना पड़ता है, केवाईसी कर लीजिएगा। कुछ भी देके नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा राइट डॉक्यूमेंट देके कीजिएगा, नहीं तो ये लोग बहुत सारे केवाईसी को कैंसिल कर रहे। और आप देख सकते हैं इधर ये जो बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर जाके आप टैप करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा ऑप्शन, और आप ऊपर एक पैसा का जो चिन्ह है प्लस साइन है इसके अंदर जाएंगे तो आप एड मनी कर सकते हैं। और बाएं तरफ पहले ही आपको कार्ड नहीं दिया जाता है, एक कार्ड को आपको ऐड करना पड़ता है दूसरा बैंक का, और आप अभी वीजा कार्ड मास्टर कार्ड से पेमेंट ऐड हो रही है, नहीं तो रुपए कार्ड से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो चलिए आज का जो विषय है उसके बारे में जान लेते हैं। आज का जो विषय था, इधर आपको बैनर पे दिख जाएगा आप 4 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में कुछ दिक्कत आ गए थे। जब पेयू नाउ से पेमेंट करने गए थे तब जो पेमेंट था HDFC पेजैप के तरफ से वो बंद कर दिया गया था, अभी फिर से चालू हो गया है और आपके सामने करके दिखेंगे। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना पड़ेगा जो है पेयू नाउ। पेयू नाउ पे ही आपको भारत क्यूआर कोड मिल जाता है, भारत क्यूआर कोड को स्कैन करके 2500 रुपीज पेमेंट कर देंगे तो आपको 250 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी तो नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको क्या करना होगा बताते हैं। 4 ट्रांजेक्शन करने के लिए ये देखिए बाएं तरफ रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे तो आपको इधर जाके एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। आपको इधर क्या करना है बता देते हैं, 250 रुपीज लिख लेंगे और इधर जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कुछ मर्जी लिख सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड भी दे सकते हैं अलग अलग करने के लिए। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने के बाद ही आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक लिंक क्रिएट हो गया है, अभी इस लिंक को इधर से कॉपी कर लेते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए फिर से आपको इधर से वापस आ जाना है, वापस आने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपके पास कोई भी ब्राउजर होगा तो ओपन कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अभी एक नया टैब खोल लेते हैं। नया टैब खोलने के बाद ये जो लिंक था इस लिंक को भी पेस्ट कर देना है। लिंक को पेस्ट करने के बाद देखेंगे आपके सामने खुल जाएगा एक नया पेज, और आप जिस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं उस अकाउंट का डिटेल्स और मेल दे देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए डिटेल्स और मेल दे देते और आपके सामने दिखा देते। इस तरह से मेल और डिटेल्स दे देने के बाद आपको कंटिन्यू टू पे करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू पे करने के बाद आपको शायद पहले बार के लिए ये ऑप्शन ना देखिए और वॉलेट ऑप्शन सामने भी ना देखे, तो वॉलेट को आपको पहले चूज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं सिलेक्ट अनादर वॉलेट पे आपको जाना पड़ेगा। इसके अंदर आ जाइएंगे तो आपको देखेंगे अभी HDFC बैंक पेजैप ऑप्शन फिर से आ गया है। पहले ये ऑप्शन हटा दिया गया था पेयू नाउ के तरफ से, तो अभी तो मिल गया है। तो चलिए अभी के लिए HDFC बैंक पेजैप को चूज कर लेते। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे सवाल किए थे और बहुत कुछ बताए थे, तो आप पहले श्योर हो जाओ, मगर जब वीडियो करने निकले तब शायद कुछ ही देर के अंदर ये हटा दिया गया तो मुझे भी पता नहीं चलता, तो फिर से ढूंढ के आपके लिए ले आया हूं। तो चलिए अभी पेमेंट कर देते हैं, पे नाउ करते हैं, और आपके पास एक रिक्वेस्ट चले जाएगा आपके ऐप पे। देखेंगे थोड़ा देर वेट करने के बाद तुरंत ही आपको एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा और आप उस रिक्वेस्ट के अंदर जाके आपको पेमेंट कर देना है। देखेंगे आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है इधर पूरे पेमेंट को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं, देखिए ऊपर मुझे मिल चुका है एक नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं और आपको जाके पूरे ही दिखा देते किस तरह से आप पूरे पेमेंट कर सकते हैं।
और इसमें थोड़ा सा कुछ ट्राई भी कर लेंगे। पेजअप ऐप, जो पेजअप प्रोमो कोड है वो फिर से वापस आ गया है या नहीं वो भी चेक कर लेते। ठीक है, अभी एम पिन बिठाने के बाद आपको सिक्योर हो जाएगा, और सिक्योर हो रही है तो चलिए इस डिवाइस पे ही मेरे आईडी है तो मुझे शायद ना देना पड़े, फिर से मुझे ओटीपी मांगेगा तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इधर गॉट प्रोमो कोड के जगह पे पेजैप को एक बार ट्राई करके देखते, मगर एक्सपायर हो चुका है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए एक बार ट्राई तो करा जा सकते है। तो चलिए एक बार ट्राई करते पेजैप, शायद फिर से एक्टिव कर दिया जाए, नहीं ये अभी भी एक्सपायर ही है और एक्टिव नहीं है। तो चलिए इसको पेमेंट कर देते। तो पेजैप कार्ड सिलेक्ट है, मेरा 726 रुपीज बैलेंस है, इसको अप्रूव कर देते। अप्रूव करने के बाद आपको ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं आपके सामने ही पेमेंट होगा और पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर से मुझे एम पिन मांगा गया है, तो चलिए एम पिन बिठा देते और देखते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है नहीं। मुझे ऊपर मैसेज भी मिल चुका है पेमेंट सक्सेसफुल होने का पेजैप का। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर मैसेज भी मुझे मिल चुका है। तो अभी इसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि हर वक्त ये पूछता है, क्योंकि सिम चेंज करता रहता हूँ इसलिए पूछता रहता है, नहीं तो एक आई फोन पे एक रहेगा तो आपके कुछ भी इस तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते मेरा 726 रुपीज बैलेंस था, अभी 476 रुपीज बैलेंस है। और आपको लास्ट में जो बताया था मेरा जो भारत क्यूआर स्कैन वाला ऑफर है उसका जो कैशबैक है मुझे मिल चुका है, उसके बारे में आपको साथ बात कर लेते और आपको दिखा देते। आ जाइए फिर से बैलेंस के ऊपर टैप कर लेते हैं, के बाद खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते। ये देखिए मेरा जो लास्ट 250 रुपीज का ट्रांजैक्शन था पेयू मनी पे चला गया है, और आप देख सकते हैं स्कैन जनवरी जो मुझे मिल गया है, 15 जनवरी को मुझे 250 रुपीज मिल गया है। तो चलिए इसको खोल के आपके सामने दिखा देते, खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। अभी आप देख सकते हैं स्कैन जनवरी का जो ऑफर है ये उन लोगों के तरफ से मुझे दिया गया है, सक्सेस डिपॉजिट कर दिया गया है 250 रुपीज का। इस तरह से आप भी करेंगे भारत क्यूआर कोड स्कैन तो आपको भी 250 रुपीज मिल जाएगा। आपको पता नहीं है तो आप मेरे पहले वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, और आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और व्यू बढ़ा दीजिए तो अच्छा होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।